सोनीपत स्थित बिघाना टोल प्लाजा पर कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद नायब सैनी के काफिले को रोके जाने पर जोरदार हंगामा हो गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि सांसद नायब सैनी के काफिले की एक गाड़ी टोल बैरियर के पास आकर रुकती है। तभी एक शख्स गाड़ी से उतरता है और टोल बैरियर को हाथ से हटा देता है, लेकिन उसके तुरंत बाद वहां मौजूद टोल कर्मी उस शख्स को धक्का देकर वहां से हटाता है और फिर दोबारा से बैरियर को सीधा करके गाड़ी के आगे आकर खड़ा हो जाता है। मामला बढ़ता देख अन्य टोल कर्मी भी वहां पहुंच जाते हैं और फिर सांसद के स्टाफ और टोल कर्मियों के बीच कहासुनी शुरू हो जाती है। कुछ देर की कहासुनी के बाद बैरियर को खोल दिया जाता है, मगर तब तक सांसद नायब सैनी नाराज हो जाते हैं और स्थानीय SHO को तलब कर टोल कर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करा देते हैं। सांसद के निजी सचिव रविकांत ने मूर्थल पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में बताया कि सांसद दिल्ली से लौट रहे थे, तभी बिघाना टोल पर उनकी गाड़ी को रोक लिया गया और बिना टोल दिए आगे नहीं जाने दिया गया। गाड़ी पर बैरियर गिरा दिया गया और स्टाफ के साथ भी बदतमीजी की गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने इस पूरे मामले में टोल मैनेजर दीदार सिंह और दो अन्य कर्मियों पर केस दर्ज किया है। अब आगे आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले पर जब हमारे संवाददाता सचिन गोड ने भाजपा सांसद नायब सैनी से बात की तो उन्होंने पूरी घटना को लेकर क्या कहा। देश के 543 सांसदों में से आप एक हैं और सांसद के साथ अगर बदसलूकी हो टोल जैसी उस पर तो आम लोगों के साथ क्या बीतेगी। कल आपके साथ वारदात हुई, क्या था पूरा विषय? नहीं देखिए, वो हमने उनको समझाया है कि आप इस प्रकार की ये विषय ना करें। आप अगर कोई VIP लेन बनाई है उसके अंदर आप अगर उसका जो क्राइटेरिया उसका जो आपने उसके नॉर्म्स बनाए हैं उस नॉर्म के अनुसार उसको करना चाहिए। अगर कोई गलत करता है उसके खिलाफ कार्रवाई करो। तो क्या उसमें VIP के अलावा लोगों को निकाला जा रहा था, क्या हुआ क्या था? नहीं देखिए, उसके अंदर उन्होंने गाड़ी रोक ली, मेरे स्टाफ ने बताया भी है, अभी सांसद जी हैं और वो हटे नहीं, उनको कहा भी। अच्छा हाँ, तो एक दो बार उन्होंने पहले भी किया है, तो उसको मैनेजर को बुला करके मैंने कहा भी है अभी तू किस लिए बैठा है यहाँ पर, तेरी ड्यूटी क्या है? अगर कोई आपने VIP लाइन बनाई, मैंने कहा इस लाइन को ख़त्म कर दीजिए। वो कहने लगा मेरे को कि ये तो एम्बुलेंस के लिए है, भी आप एम्बुलेंस को भी नहीं मान रहे, अगर एम्बुलेंस को भी रोक रहे हैं फिर VIP, अगर VIP कल्चर हम VIP के उसमें नहीं है, क्योंकि मैं एक साधारण परिवार का व्यक्ति हूँ, मैं साधारण व्यक्ति हूँ, मैं लोगों के बीच में रहने वाला व्यक्ति हूँ, मैं VIP कल्चर से बहुत दूर हूँ। परंतु आप अगर जो आपकी गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अनुसार चलिए, उससे बाहर मत चलिए। जो बनाई है वो सबके लिए बनी है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बनी है। इसमें मुकदमा दर्ज करवाया, क्या 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 शिकायत है उसमें? नहीं, उसके अंदर शिकायत नहीं है। उन्होंने जब मेरा स्टाफ गया था तो उसके साथ उन्होंने उतर करके नीचे हैंडलिंग भी की है, उसके साथ की है। तभी मैंने मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा भी SHO को बुलाया, मैंने SHO को बुला करके मुझे इसके खिलाफ कार्रवाई करा। हरियाणा के लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, क्या इंश्योर करेंगे कि भविष्य में किसी आम लोगों के या खास लोगों के साथ? बिल्कुल, हम ये श्योर कर रहे हैं, ये मनोहर लाल जी की सरकार है, अगर किसी टोल के ऊपर भी किसी व्यक्ति के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार होता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, नहीं बख्शेंगे किसी को।